23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, समय आ गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टीचिंग्स को याद करना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब ये फ्रीडम इज नॉट फ्री खबर हम आप तक पहुंचाएंगे आज से, एंड दैट इज थ्रू द न्यूज़पेपर फॉर्टनाइटली। चुगलखोर टाइम्स। अब ये चुगलखोर टाइम्स के इस लोगों को ध्यान से देखिए, ये जो लोगो है ये वो पत्रकार है जो बैठा तो मेन स्ट्रीम मीडिया में है लेकिन वो हमसे जुड़ा हुआ है, अंडर कवर रिपोर्टर बोल सकते हैं। तो इसमें जो न्यूज है और खासतौर पे चुगलखोर टाइम्स का जो बैकबोन एम्पायर डायरीज के फाउंडिंग एडिटर्स हमारे मेरे साथ में है नदीम रत्ना। रत्ना आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू बीआरसी। ये जो आपने डिसीजन लिया कि एम्पायर डायरीज का जो कंटेंट है इसको ये टैबलॉइड के रूप में लाना, ये बहुत ही बड़ी डिसीजन है क्योंकि दिस डिसीजन इज यूनिक एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी। होल वर्ल्ड में अभी काम कोई ना कोई लोग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रारियन थॉट्स का, मगर ये इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो इंडिया में तो नहीं हो रही है, सिर्फ हम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आपका डिसीजन जो है इसको टैबलॉइड के रूप में लाना, ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक डिसीजन एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट फाइनली समवन हैज़ डिसाइडेड, समवन लाइक बीआरसी हैज़ डिसाइडेड टू प्ले विद आवर कॉन्टेंट थ्रू अ टैबलॉइड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम दोनों मैं और नदीम दोनों ही बहुत साल 20-20 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुके हैं और हम लोग को मालूम है कि हाउ कॉम्प्रोमाइज्ड मेन स्ट्रीम मीडियाज एडिटोरियल पॉलिसी, हाउ कॉम्प्रोमाइज्ड दे आर। एंड आई थिंक दैट आई हैव डन डिसर्विस टू पीपल इन ऑल दिस ईयर्स इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म को ये नाम लेके हम लोग पीआर करते थे, तो फॉर लास्ट 3 ईयर्स वी आर नॉट डूइंग पीआर, वी आर डूइंग रियल जर्नलिज्म। एंड वी थिंक दैट आर जर्नलिज्म career started 3 years back when we launched Empire Diaries. So this brand of journalism is totally new and we are creating a new path and I hope BRC ki aapke saath jo collaboration hai wo bahut kaam mein aayega kyunki naya naya jo journalist abhi aa rahe hain, journalism kar rahe hain, wo hum logo ko follow kare kyunki there is no one in India who are doing this kind of journalism. नदीम आप बोलो कि हम लोग कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं। और मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि एम्पायर डायरीज नेम के पीछे एक राज है, क्योंकि तीन साल से बहुत लोग हमारा कंटेंट जो पढ़ रहे हैं हमें बहुत क्यूरियस होकर पूछ रहे हैं कि एम्पायर डायरीज कैसा नाम है, इसके पीछे क्या है, कहानी क्या है। तो बिकॉज पीपल आर यूज टू नेम्स लाइक यू नो डेली मेल, मेल, एक्सप्रेस, टाइम्स, ये सब कॉमन नेम्स होते हैं, डॉट टीवी या न्यूज। अब एम्पायर डायरीज का मैं आपको समझाता हूँ, एम्पायर का मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं। हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़े कि एम्पायर मतलब वही होता है जो पुराने ज़माने के थे, किंग्स, किंगडम्स, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, राइट, ग्रीक एम्पायर, दोज आर द एम्पायर्स। तो अब हमें लगता है, हमें स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाया गया कि एम्पायर्स तो चले गए, वो तो हिस्ट्री की बात है, अभी नहीं है, अभी इट्स अ ओपन एंड फ्री वर्ल्ड। बट वो एक्चुअली बात सही नहीं है, क्योंकि एम्पायर स्टिल एग्जिस्ट, दोज एम्पायर्स फ्रॉम द पास्ट वो अब है यहाँ, they have changed their shape and form, they are now in the form of corporations, companies, MNCs, transnational companies, conglomerates kehte, and they represent industries, jaise big tech ek aa gaya, big pharma, big banks, big businesses, all big businesses, they represent the today's empires. aur diaries ka matlab ye hai ki documenting or recording un logo ke karname, because these empires, these are modern day empires, they run our lives today. They try to control our lives, they try to see us as, you know, big pharma tries to see us as patients, big banks, they try to see us as customers, so they try to control our lives in various ways. So empire diaries ka matlab ye hai ke documenting the role of empires in our lives. So this is the secret of the name of our organization. Aur ek interesting cheez main aapko batana chahta hu ke doc cat mein bhi hai ye opening edition jo hai, isme we have done this story
जो ओपनिंग स्टोरी जो हमने की है, दिस इज अ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी. आई मीन इन द 20 इयर्स ऑफ मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म दैट आई हैव डन इन प्लेसेस लाइक यू नो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू डॉक, एंड वी कुड नेवर हैव डन दिस इन द मेनस्ट्रीम मीडिया. वी हैव डन दिस ओनली फॉर एम्पायर डायरीज. वी कुड डू दिस फॉर एम्पायर डायरीज. स्टोरी ये है कि फोर्ट डिट्रिक करके US में एक मिलिट्री फैसिलिटी है. दिस यूज टू बी अ बायोलैब्स फैसिलिटी फ्रॉम 1943 टू 1969, एंड इट वॉज सो नोटोरियस इट वॉज लेटर नोन दैट दे यूज टू कंडक्ट बायो एजेंट टेस्टिंग ऑन ह्यूमन बींग्स विदाउट देम नोइंग इट. सैन फ्रांसिस्को के पॉपुलेशन के ऊपर किया इन 1966, न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन एरिया में पॉपुलेशन के ऊपर किया. Then it became so notorious that it had to be shut down. Then after that, when this pandemic came, the first images of the virus, they actually came from an electron microscope from this place. Right. Now we are not talking about a link, but obviously we are asking this question, why should it come from this place? So humne kya kiya? Humne ek detailed investigation kiya. So you will have to grab a, we won't go into further details, you will have to grab a copy of this to know what are those details. Great. And once again, I also want to congratulate the doc for this great effort. It's your baby, so, and we hope that it goes ahead and reaches a lot of people. Aap log bhi Empire Diaries ki YouTube channel follow karo, hamare website follow karo, and definitely grab a copy of this tabloid because this is historic. Umeed karte hain ki aap ise padhenge aur is news ko properly use karenge. ताकि हमारी फ्रीडम बनी रहे, ताकि ये जो देश है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विजुलाइज किया था, उस उनकी विजुलाइजेशन पे हम खड़े उतरे. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. अगर आप चुगलखोर टाइम्स का फिजिकल एडिशन अपने घर कुरियर के माध्यम से मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना खास तौर पर पिन कोड नंबर ज़रूर डालें. अगर आप डिजिटल एडिशन पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए लिंक में जाके आप डिजिटल एडिशन एक्सेस कर सकते हैं. आप में से वो लोग जो चुगलखोर टाइम्स से जुड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हमारे नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट एज ए ब्यूरो चीफ या एज ए टीम और एज ए ग्राउंड रिपोर्टर, तो इस लिंक में जाके आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी भर सकते हैं.